20 साल एक मुख्यमंत्री है, 20 साल की एक सरकार है, 20 साल का एक विधायक है और उससे 25 साल पहले 25 साल तक उनके पिताजी ने भी अजावत में राज किया है, मुख्यमंत्री भी रहे। क्या ये कम समय होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए? अरे कम समय होता है क्या? अभी जैसे उनसे विकास की बात करो तो कहते हैं एक घुटने के 8 घुटने लगवा दूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे उनसे बात करो कि विधायक जी ये जनपद अध्यक्ष जो आपका है जिसने 50,000 सीधे कैमरे के सामने नगद ले लिए, लेने के लिए लिए, अरे लिए कि नहीं लिए? तो ये तो सस्पेंड होना था। ये आपके साथ गाड़ी में क्यों घूमता? क्या 50,000 में से 25,000 आपका हिस्सा था? अरे एक 4 आपने मंडल अध्यक्ष बना रखे हैं, वो चारों के यहां सिर्फ एक ही काम, डोडा चुरा के अपराधियों को या सही काम करने वालों से वसूली करना। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये टोल लगा बेड़ियर नया गांव, अरे यहां किसकी बंदी है, किसकी बंदी है? अरे जावत की नेता को पता है कि नहीं है किसकी बंदी है? चलो कोई बात नहीं, वो तो सब अपनी जगह, पर नक्षत्र की 70 बीघा जमीन, नक्षत्र वाटिका, 16 प्लांट लगेगा, किसानों की जमीन छीनेंगे, मुआवजा नहीं देंगे, कहेंगे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक 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 हमारा विधायक दिल्ली पढ़ गया और पढ़ के भी क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई, वो जावत के परिवार वालों को उनको वोट देते तो मूर्ख नहीं समझे। सोलर का जब प्लांट लगता है तो एक मिनिमम रोजगार जनरेट होता है, जितनी बड़ी जमीन ली उतना बड़ा रोजगार नहीं होता, पर सोलर का प्लांट लगे कोई मना नहीं, पर किसान के अधिकार और हित और उसके साथ अन्याय तो नहीं होना चाहिए? जब आप उसकी जमीन लेते हो तो ये 70 बीघे जमीन पे आपने कब्जे क्यों कर रखा है और उस पर भी करोड़ों का लोन क्यों ले रखा है? ये सब आपके के लिए, जावत की जनता आपको सिर्फ वोट दे, ये सवाल है। अरे है या नहीं है? साथियों बात बहुत है, बस स्टैंड पे क्या ये न्याय है? तब तक बताओ कि उद्योग के लिए या कॉलोनी पास में कौन सा गांव है वो काटना है और कितने जावत के लोगों को उद्योग के लिए जमीन मिली बता दो, किसी गांव वाले को मिली क्या? तो आखिर ये भावना, ये बात, ये समझ हमारे परिवार के लोगों ने 45 साल कितना होता है यार, इसके बाद भी यह हालात है तो क्योंकि अभी कोई कार्यकर्ता नाराज होगा ना तो मंत्री की निधि में बहुत पैसा होता है 5 करोड़, तो कोई भी अधिकार, कोई भी तुम नाराज हो जाओ अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करो तुम लोग, मैं तुम्हें कहानी बता के जाता हूँ। एक गांव के 2-4, 5-10 गांव के लोग इकट्ठे हो और अलग अलग फोन करो मंत्री जी, कह के आपको गांव में नहीं घुसने देंगे, जो फोन करेगा उसके खाते में 50,000 रुपए डल जाएंगे उस संसद में। याद रखना 50,000 कमाने की स्कीम बता दी है मैंने, जो तेज आदमी कलाकार है एकदम दिमाग से शार्प है वो इसका उपयोग करो। जैसे मंत्री जी को फोन किया ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे गांव में नहीं घुसने देंगे, क्या नाम है बेटा तेरा? वो पूछेगा ये नाम है, उसको फोन कराएंगे धीरे से 30-40 हजार रुपए मंत्री की निधि से उसके खाते में। ये अभी स्कीम चल रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, तुम भी अजमा लो, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? साथियों ऐसा मंत्री जी पढ़े लिखे दिल्ली से आए, वो ये कहते दो समझदार व्यक्ति
जी अंदर आओ और बाकी सब तुम मूर्ख हो बाहर जाओ, यही कहते हैं। तो जिनको बाहर रखा अब उनको विधानसभा में क्यों अंदर भेजेंगे बताओ आप जरा। फिर वो दो समझदार सिर्फ वोट दे देंगे, बाकी तो मूर्ख है, मूर्खों का कोई वोट होता है क्या? यही है ना। मंत्री जी से मेरी भी दोस्ती है, मेरी दोस्ती है तो मैं जब उनसे मिलता हूं, अरे यार तुमने क्या वो हमारे यहाँ पे एक वो समंदर पटेल एक भेज दिया, मैंने कहा यार इससे समंदर पटेल से बुखार तो आ रहा है साहब। फिर मेरे कहते हैं देखो जीतू भाई राजनीति अपनी जगह है पर देखो सबसे पहले विकास करना पड़ेगा। मैंने कहा इतना समझदार आदमी है जब मुझे इतने विकास की बात कर रहा तो जावलत में तो 500 उद्योग लगा दिए होंगे विस्तार में, अरे लगाए क्या? फिर मुझे कहते हैं देखो आधुनिक खेती इजराइल में ऐसी होती है, अमरीका में ऐसी होती है, और फिर आप जार्डन गए कि नहीं गए? मैंने कहा भाई साहब मैं तो अभी गली गली घूम रहा हूँ, जार्डन का मौका ही नहीं आया, रिसर्च करो रिसर्च, रिसर्च में ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। ऐसी बात करते हैं ना मंत्री जी, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं। और फिर जब मैं जावत के खेतों में लसन के भाव की बात करता हूँ, खंडे में लसन का खट्टा लेके विधानसभा में जाता हूँ, फिर मंत्री जी को कहता हूँ मंत्री जी ये जाडन का नहीं है जावत का लसन है, इसके भाव बड़ा। तो कहता नहीं तुम तो राजनीति कर रहे हो। हाँ मैं राजनीति कर रहा हूँ, अगर किसानों की खेती के भाव के लिए मुझे राजनीति करनी पड़ी तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे 3,000 रुपए कुंटल किसानों के गेहूं का दाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब शिवराज सिंह जी ने यह कहा कि मैं 20 साल में किसानों की आय दुगनी करूंगा, 2022 तक प्रधानमंत्री ने कहा था जब गेहूं के भाव थे 1900 रुपए, आज भाव है 2100 रुपए, तो 200 रुपए में अगर डबल होता हो तो शिवराज जी सही है, और अगर 200 रुपए बढ़ाकर उन्हें पाप किया हो तो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपने कितने लोगों ने जब विधानसभा में मैंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, पार्टियां अपनी जगह, विचार अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, हम सब मिलकर क्या किसानों के 3,000 रुपए कुंटल गेहूं के दाम का एक साथ मिलकर संकल्प पास करते हैं? वो वीडियो विधानसभा का कितने लोगों ने देखा था? हाथ ऊंचा करके बताओ कितने लोगों ने देखा था? उसमें पारस सकलेचा कहीं दिखे नहीं दिखे, ओम सकलेचा जी कहीं दिखे नहीं दिखे, वो नजर वीडियो में नहीं आए पर सामने बैठे थे और विरोध कर रहे थे 3,000 रुपए कुंटल के गेहूं के दाम के संकल्प का। उनसे पूछना कि किसान के बेटे का, किसान के वोट का विधायक हो तुम, और जब किसान की आय दुगनी होने की बात करते हो तो आप विरोध क्यों करते हो, समर्थन क्यों नहीं करते, जो साथ नहीं आते हो तो कांग्रेस बीजेपी करते हो? यह हिसाब पूछना चाहिए नहीं विधायक से कि नहीं पूछना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मुझे कमलनाथ जी ने कह के भेजा कि इस बार कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसको जावत की जनता जिताएगी, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? एक साथ मिलकर बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जीतेगी कब? जब हम एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, मिलकर रहेंगे और हाथ का पंजा अपना कैंडिडेट मानेंगे, सही है कि गलत? मैं मानता हूं कि आप सब और हम सब प्रयास में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। मुझे पता है टिकट एक को मिलेगा, मुझे पता है कि टिकट एक को मिलेगा, पर सम्मान सबका बरोबर विधायक जैसा रखेंगे, ये वचन देके इस मंच से मैं जा रहा हूं। मेरी ड्यूटी है, मुझे अगर कांग्रेस पार्टी ने भेजा है तो हमारे परिवार के सारे लोग जो टिकट मांग रहे उनका अधिकार है, हम सब मिलकर वो हमारी फैमिली हमारा ही विचार है, पर एक को टिकट मिलेगा तो दो राज्यमंत्री बनेंगे, ये वचन देके इस मंच से मैं जा रहा हूं आप लोग। और आप सबसे भी अनुरोध है कोई कसर मत छोड़ना, कोई कमी मत छोड़ना। जहां तक सरदार पटेल साहब का सवाल है, मैंने जैसे इन्हें अपने भाषण में कहा 100% सत्य बात है, मेरा और इनका बचपन साथ में गुजरा है, मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, कॉलेज में इनका जूनियर हूँ, सम्मान भी राव विधानसभा में मेरे से इनका ज्यादा है, और विधायक बनने की बारी ये सब यहां से
व्यवस्था में देंगे। ये आपके हाथ में नहीं होता, जस अजस ऊपर वाले प्रभु के हाथ में, पद प्रतिष्ठा प्रभु के हाथ में, मान सम्मान माया प्रभु के हाथ में। बस देखिए मेरे से बड़े हैं समंदर पटेल साहब ने, ये आप सबको आश्वस्त करता हूँ, अच्छा इंसान है, विनम्र इंसान है। दो बात बोलती अभी तो है, तो विनम्रता से सुन लेते हैं, कभी पलट के बात नहीं करते। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध सब इतना ही करना चाहता हूँ, हम सबको एक बार जीतना है तो जवान हमारी सबकी एकजुटता की होनी चाहिए, हमारी भावना एकजुटता की होनी चाहिए, भाषा एकजुटता की होनी चाहिए। हम सब मिलकर कोई छोटी और ऊंची बातें नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कि 8 भुट्टे लगाने वाले विधायक को भुट्टे बेचने में लगाना है, ध्यान रखना। और दूसरी बात, बातें बहुत कर भी सकता हूं, आगे भी छुपा है, पर ये जन आक्रोश चुनाव के खिलाफ यहां आए उन्हीं लोगों में नहीं है, जो घर में बैठे उनमें भी। आप ये देखो, लाडली बहना 1000 रुपए 10 तारीख को भाई तुम्हारे खाते में डाल देगा, पर वो भाई ये नहीं बताता कि 1100 रुपए अगले 10 तारीख के बाद 11 तारीख को जो टंकी लेनी उसमें वापस छीन लेगा। फिर ये कहता है बहना, तो 250 रुपए राखी को तुम्हारा भाई डाल देगा। भैया मिठाई बिकेगा अपने, मिठाई क्या मिठाई की दुकान है आसा, तो 250 रुपए किलो कौन सी मिठाई आती बता तो। अरे भैया आप तो 40 रुपया को नायड हिजो भी नहीं हिजो। तो मैं अनुरोध ये कर रहा था कि जो बहन को जो मुख्यमंत्री वोट के लिए लालच देता है, जिस मुख्यमंत्री ने विधायकों की मंडी लगा दी, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 40 करोड़, किसी ने 60 करोड़ ऐसे ऐसे रुपए मार दिए, वो वोट के लिए बहना के खाते में 1000 रुपए डालने की बात करता है। और कौन सी महीना के 1 करोड़ बहनों को डालूंगा और टोटल 4 करोड़ बहने 3 करोड़ को छोड़ दूंगा, ये लाइन है। आपसे अनुरोध सिर्फ इतना है कि यह आक्रोश घर घर में, आप सब घर घर जाओ, मिलो जुलो, संगठन बनाओ, बूथ का मैनेजमेंट करो, और अल्टीमेटली इस देश में प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, भगवान राम की, कृष्ण की, पैगम्बर की, महावीर की, जो गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का विचार है, प्रेम प्यार मोहब्बत भाईचारा त्याग बलिदान, उस विचार को जिंदा करो, उसको ताकत दो, उसको मजबूत करो, और हम सब मिलकर रहो। मैं बोलना नहीं चाहता ये बात, पर जो लोग आज नफरत फैला रहे हैं वो कल दलितों से नफरत कर रहे हैं, परसों किसी और से करेंगे, नरसों किसी और से करेंगे। इस देश की नीड, इस भारत वर्ष की नीड, इस भारत माता की नीड, इसकी आवश्यकता सिर्फ प्रेम है, प्यार है, बलिदान है, देना है।